आज मैं इतना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ ना कि आप हमेशा बना के खाओगे। और बिल्कुल यूनिक तरीका आज मैंने ट्राई किया है और सच में बहुत अच्छा बना था। आपको लाल भाजी लेना है, उसके पत्ते निकाल के अच्छे से धुल लेना है, काटना बिल्कुल नहीं है, ग्राइंडर लेना, उसमें आपको ये पत्ते डालना है, एक पाव के लगभग पत्ते होंगे, 3-4 कलियाँ लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, हींग, थोड़ा सा जीरा डालना है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, ये सारे मसाले डाल के और बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है, मतलब बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है इस तरीके से, कोई भी उसमें मतलब लम्स वगैरह कुछ भी ना रह जाए। फिर लेना है 1.5 कटोरी आटा, उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और BNV की तरफ से हमारे लिए ऑयल आया है जो कि हैवी डाइजेशन के लिए और हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद ऑयल है, तिल का तेल है इसमें। तो आपको ये डालना है 1 चम्मच के लगभग, साथ में डाल देना है आपने जो पीसा था मसाला, उसको डाल के बिल्कुल टाइट आटा गूंथ लेंगे, जिस तरीके से पूड़ियों का बनाते हैं इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। गीला बिल्कुल मत करना, टाइट ही रहना चाहिए। इसको रख देते हैं आप फूलने के लिए 10-15 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ एक चीज़ बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास पत्ता गोभी हो और समय कम है तो ये गिलास ले लेना और गिलास से ना इस तरीके से काटना पत्ता गोभी को, फटाफट कट के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है इस तरीके से, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आप चाहो उतना बारीक कर सकते हो। फिर कढ़ाई में आपको डालना है थोड़ा सा तेल, अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और बहुत ही यूनिक सब्जी है, आप खा के बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। तेल डालना है, उसको गरम करना है, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा डाल के भून लेना है, फिर लहसुन और लाल मिर्च और प्याज डाल के अच्छे से भूनना है, ठीक है। फिर हरा मटर डाल देना है और एक आलू डाल देना बारीक साइज़ में काट के, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, 20-30% हमें पका लेना है इनको। उसके बाद हमने जो पत्ता गोभी काट के रखी थी उसको 1 कटोरी के लगभग डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। पहले तो ऑयल में हमें थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है, मीडियम फ्लेम पर ही भून लेना ताकि ऑयल अच्छे से बैठ जाए सब्जी में। उसके बाद स्वादानुसार नमक डाल देना है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, जो भी आप मसाले खाते हो सारे मसाले इसमें डाल दो। और थोड़ा सा डाल देना है यहाँ पर सौंफ, मतलब 1-2 चुटकी के लगभग, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मसालों में अच्छे से सब्जियों को भून लेना है और थोड़ा सा ना हम ढक के रख देंगे ताकि मसाले में अच्छे से सब्जियाँ भुन जाएँ लगभग 5 मिनट के लिए। फिर ली है मैंने 1 कटोरी के लगभग मेथी भाजी, जिसको धुल के बारीक काट लिया था, उसको डालेंगे। 1 कटोरी मैंने पूरी डाली है यहाँ पर और साथ में 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डालना है हरा धनिया बारीक काट के। इतनी बेहतरीन सब्जी बनके तैयार होती है, एक तो स्वाद से भरपूर, दूसरा इतने फाइबर के गुण मिल जाएंगे बहुत सारे और मतलब आयरन भी मिल गया हमें, तो बहुत मज़ा आने वाला है ये सब्जी को खाने में। अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा चाहो तो ढक के रख दो, वैसे मेथी की भाजी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब्जी हमारी ऑलरेडी पक चुकी हैं। थोड़ा ही 2 मिनट के लिए मैंने ढक के रखा, 2-3 मिनट के लिए, और बस जैसे ही पानी छोड़ देंगी ना तो हाई फ्लेम करके हम थोड़ा सा अच्छा सा भून लेंगे। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, एक बार ट्राई बस कर लेना, गारंटी है। अगर आपको पसंद ना आए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी अगर ट्राई करते हो तो। बाकी मेरी सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मैं सबसे पहले तो खाऊंगी, उसके बाद ही वीडियो डालूंगी, क्योंकि बनी अच्छी ही थी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। फिर ले लेंगे हम आटा जो हमने गूंथ के रखा था, लोइयाँ बना लेंगे इसकी और आप अपने पसंद के साइज़ में बेल देना, पतला मोटा कैसा भी, पूड़ियाँ पतली हो मोटी हो कैसी भी पूड़ियाँ होनी चाहिए। ठंडियों में तो पूड़ियों की बात ही अलग होती है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मेरे घर में 1-2 दिन पूड़ियाँ बनती ही रहती हैं मोस्टली। और हमारी जैसी पूड़ी आप देखो इस तरीके से बन के और परफेक्टली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। फिर मीडियम टू हाई फ्लेम करना है गैस का और बस तेल को अच्छा सा गरम करके और सेक लेना है। आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं, हर एक पूड़ी फूल के तैयार होगी और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। और मैंने तो पहले खा ली थी, उसके बाद ही मैंने वीडियो डाली थी, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई थी। ये देखिए कितनी बेहतरीन पूड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसी के सामने मैं अभी दूसरी डालूंगी, वो भी एकदम से बढ़िया फूल के तैयार होगी, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी टेस्टी लगती हैं ये पूड़ियाँ। मैंने पहली बार बनाई है, मैंने कहा मैं बीटरूट की पूड़ियाँ बहुत देखती थी, मैंने कहा मेरे पास तो लाल भाजी, मैं लाल भाजी की ही ट्राई कर लेती हूँ। हमारी फूली फूली एकदम सॉफ्ट सी बढ़िया सी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं, तो अब हम चलते हैं खाने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसी बनी। थैंक यू सो मच एवरीवन।